अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत और आफियत से रखे। आज हम जा रहे हैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, पिंडी जा रही हूँ मैं। और ये देखिए हम मोटरवे के रास्ते से जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, बादल आए हुए हैं। ये देखिए जी, पहले बादल आए हुए थे, अब धूप निकल आई है। काफी लंबा रास्ता है ये मोटरवे से, लेकिन बड़ा मजे का है। कितना अच्छा व्यू है ये देखिए आप। ये देखिए यहाँ पे कितनी जबरदस्त ग्रीनरी है, कितना मजे के ट्रीज लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए आप, खेत ही खेत और बड़े मजे की जगह है। कसम रब दी जमाना मेरा हो गया, जदों दा सोनिया मेरा हो गया। कसम रब दी जमाना मेरा हो गया, किसे शैदी उनू कमी ना कोई रही, किसे शैदी उनू कमी ना कोई रही। ये हम चक्री इंटरचेंज पहुंच गए हैं, अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। टेक्सला से यहाँ तक का सफर काफी लंबा था, लेकिन काफी मजा आया। काफी अच्छा रास्ता है ये मोटरवे का, साफ सुथरा और अच्छा गुजर जाता है टाइम। चलें जी, बच्चों को भूख शूख लगी है तो हम थोड़ा ये जरा लेज बेबी वगैरह खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये हम चक्री पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब आगे दरबार है, हम वहाँ पे हाजिरी लगाने जा रहे हैं। थोड़ी देर हम वहाँ रुकेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। चलें जी, ये अब हम पहुंच गए हैं दरबार शरीफ। ये चक्री इंटरचेंज से आगे गाँव है कोई, कड़ाई गाँव का नाम है इधर। इधर हम आए हैं, ये अब हम दरबार पहुंच गए। अब हम अंदर जा रहे हैं और दुआ वगैरह करेंगे। चले जी, अब हम ये दरबार से दुआ शुआ करके निकल आए हैं और अब हम शॉपिंग के लिए किसी मार्केट में जा रहे हैं। देखिए अब हम कहाँ जाते हैं, लेट्स सी। ये देखें जी सूरज को आप, जरा कितना प्यारा लग रहा है।
चले जी, ये देखें अब शाम हो गई है, बल्कि रात होने को आ गई है, और अब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं मार्केट में। काफी ट्रैफिक है, बहुत रश है रास्ते में। यार क्या हो गया। चलें जी, शॉपिंग अब हमने कर ली है, अब हम घर जा रहे हैं, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। अभी हम जरा कुछ खाने के लिए लेने लगे हैं खाना। चले जी, अब ये हम घर पहुंच चुके हैं और अब हम खाना खाने लगे हैं। ये रास्ते से हमने खाना ले लिया था और सही हम थक चुके हैं इस टाइम। अब हम खाना खाते हैं, इसके बाद हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे। चले मैं अब आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये मैंने ईद के ड्रेसेस लिए हैं जो बच्चों के, आपको मैं वन बाय वन करके दिखाती हूँ। बहुत ही कम प्राइस में मुझे अच्छे रेट में मिल गए हैं ये। ये ईद का पहला ड्रेस है रीबा का, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता बना हुआ है चिकन का, बहुत खूबसूरत है। इसमें ये बारीक बारीक सी लेस भी लगी हुई है और ये बड़ा प्यारा सा है, गर्मियों के लिहाज से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मुझे बहुत मुनासिब मिल गया है, ये मुझे 800 में मिल गया, बहुत ज़बरदस्त है। ये रीबा का दूसरा ड्रेस है, ये देखें ये भी बिल्कुल लॉन में बना हुआ है, ब्लॉक प्रिंट इसके ऊपर हुआ हुआ है और इसकी स्लीव्स बहुत जबरदस्त हैं ये ऐसे। और ये भी मुझे 1000 रुपीज में मिला है, बहुत प्यारा है ये। ये इसके साथ टाइट्स है, ब्लैक टाइट्स इसके साथ ली है और ये नेट का दुपट्टा, तो ये बड़ा प्यारा सा बन गया है इसका ड्रेस। ये तकरीबन 1000 की शर्ट है और 500 का ट्राउजर है, तो ये 1500 का है। ये तीसरा ड्रेस है रीबा का, ये देखें आप इसका, मैंने ये स्टिच करवाया है, ये कपड़ा लेके मैंने खुद स्टिच करवाया है। ये इसके नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये देखें मैंने इसमें टसल लगा लिया है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये ओपन शर्ट बनवाई है मैंने और ये इसके नीचे देखें बॉर्डर और लेस की लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। इसके साथ ये चुनरी का दुपट्टा है और ये टाइट्स है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ओपन शर्ट बनी हुई है ये और ये इसके नीचे लेस लगी हुई है और खूबसूरत सा ये गर्मियों के लिहाज से बहुत प्यारे लाइट से ड्रेस, ईद पे हम ऐसे ही बना रहे हैं। ये अब मेरी दूसरी बेटी का ड्रेस है, ये देखें ब्लैक कलर की कुर्ती है बहुत प्यारी सी और ये 1380 की थी, ये डिस्काउंट में मुझे 1000 में मिल गई है, बहुत प्यारी है ये देखें आप, इस पर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और लाइट से बड़ी खूबसूरत है। ये बरीरा का दूसरा ड्रेस है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है इसमें और इसकी देखें एम्ब्रॉयडरीड ये बाजू, इसकी स्लीव्स बहुत खूबसूरत बनी हुई है, ये भी मुझे 1000 रुपीज में मिला है, इसमें लेस लगी हुई है और ये देखें इसका टाइट्स, ब्लैक टाइट्स के साथ और ब्लैक का नेट का दुपट्टा इसका, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बरीरा का तीसरा ड्रेस है ईद का, ये मैंने खुद स्टिच करवाया है, ये बड़ा खूबसूरत सा लॉन में मुझे मिल गया था, इसके गले में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये देखें मैंने इसमें टसल लगा ली है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये भी ओपन शर्ट बनवाई है ऐसे और ये इसके नीचे लेस लगवाई है बॉर्डर पे, जिससे ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, रेड टाइट्स और रेड दुपट्टा है इसके साथ, बड़े खूबसूरत सा ये देखें गर्मियों में बच्चों को लगता है ऐसे ड्रेसेस। और ये मोहम्मद अहमद के ड्रेसेस हैं, आप देखें 3 ड्रेसेस के भी लिए गए हैं, बच्चों के तो आपको पता है नॉर्मल से होते हैं बस टी शर्ट वगैरह, ये देखें इसने खुद पसंद किया अपना अरतगुल गाजी का ड्रेस और ये इतना मुझे मुनासिब मिल गया है ना, 700 में ये नेकर शर्ट इसकी मिली है, बहुत अच्छा है ये देखें।
गर्मियों में बच्चों को अच्छा लगता है। और ये देखिए इसकी सेकंड, ये जो शर्ट है ये भी कॉटन में बनी हुई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त। अब ये दूसरा ड्रेस है इसका, ये देखिए रेड शर्ट और साथ ये पैंट। और ये देखिए अब ये हो गई है इन बच्चों की शॉपिंग। और ये बच्चों की देखिए मैंने कुछ पोनीज वगैरह ली हैं, बस ये पोनीज ही पसंद करती हैं, बैंगल्स वगैरह नहीं पहनती हैं। ये देखिए पिन्ने हैं इनकी, बस ये थोड़ी सी पोनीज वगैरह ली हैं। और मोहम्मद अहमद ने ये अपनी घड़ी ली है बस। ये बच्चों के सैंडल्स लिए हैं, ये अहमद के सैंडल हैं, ये मुझे बहुत मुनासिब सदर से मैंने लिए हैं, बड़े मुनासिब मिल गए 500 में ये मुझे मिले हैं, ये देखें। और ये अरीबा की है सैंडल, ये 1000 की ली है सदर से। और ये भी देखें, ये भी 1000 में मिली है। ये मेरा ड्रेस है ईद का, देखें ये मैंने लाइम लाइट से लिया है और ये मैंने स्टिच करवा लिया है, बड़ा ही खूबसूरत सा। इसका दुपट्टा मेरा अपना था, ये पहले से पुराना दुपट्टा था मेरा, मैंने इसके साथ ये शर्ट मैच कर ली है। ये देखिए मैंने इसके इतने खूबसूरत से ये टसल्स लगाए, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी लुक आ रही है शर्ट की। और ये इसका ब्लैक ट्राउज़र है साथ। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये ड्रेस है, ये मेरा दूसरा ड्रेस है ईद का, ये भी मैंने लाइम लाइट से ही लिया है। और ये बड़ा खूबसूरत सा इसमें वर्क हुआ हुआ है, देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है, इसका दुपट्टा ऐसा है। ब्लैक ट्राउजर और ये दुपट्टे के साथ बहुत प्यारा है ये देखिए। चले जी, ये मैंने आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखा दी है, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।